हेलो एवरीवन वेलकम टू आई डी वर्मा मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं और हम लोग आ गए हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ये शुरू से एक टफ टॉपिक माना जाता है क्योंकि इस टॉपिक में आपको लॉजिक ज़्यादा मिलेंगे ठीक है थ्योरी कम मिलती है और जहां लॉजिक ज्यादा होते हैं लोग पीछे हटते हैं आपको एक सपोर्ट एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों बिल्कुल शुरू करते हैं मैं बेसिक से बता रहा हूँ और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ हम लोग इस वीडियो जी जितने वीडियो बन रहे हैं इनका पर्पज ये है कि कुछ छूट रहा हो तो छूटे नहीं मतलब आप एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी चैप्टर्स को हमें कम से कम इतना करके जाना है कि 90 परसेंट केस में अगर कोई इस तरह का कंसेप्ट आ जाएगा तो हमसे बन जाए ठीक है जिससे कि कुछ छूटे नहीं ठीक है आपको कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े ठीक है इतनी उम्मीद है शुरू करते हैं तो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल दो होते हैं एक एडिशन प्रिंसिपल और एक प्रोडक्ट प्रिंसिपल ठीक है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब लगता है उसको समझने की जरूरत है तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि एडिशन तब होता है जब कंडीशन कंप्लीट हो जाती है और उसी केस को उसी ऑपरेशन को किसी और कंडीशन से फॉलो कर सकते हैं मतलब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है कोई बच्चा लेते हैं और प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रिंसिपल जो है वो कब काम करता है जब कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है जब तक कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी हर केस के लिए हम प्रोडक्ट करते जाएंगे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लो <coughs> मैं हमेशा थ्योरी में भी बताता हूँ कि एक बच्चा है उसका कोई भी नाम रख लें ठीक है कोई भी चिंटू नाम रख लेते हैं मेरा फेवरेट ठीक है किसी का नाम चिंटू है तो बुरा नाम आने का अब चिंटू एक बच्चा है वो क्या करता है वो रोज जो है पैंट शर्ट पहनता है अपने पैंट शर्ट पहनता है और कोचिंग के लिए निकलता है स्कूल के लिए जाता है अब उसके पास तीन जोड़ी पैंट है एंड तीन जोड़ी शर्ट है ठीक है अब वो यूनिफॉर्म नहीं है ये अलग अलग कलर के पैंट अलग अलग करके शर्ट है आइडेंटिकल का केस नहीं है ठीक है अब उसको ये देखना है एक बार वो पैंट पहनते पहनते सोचता है कि मैं कितने जोड़ी कितने तरीके से इनको अदल बदल के देख सकता हूं वो इलेवंथ का स्टूडेंट है या ट्वेल्थ का या ड्रॉपर का लेकिन वो आई का स्टूडेंट है और ये समझता है कि पीएनसी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे प्यार है पीएनसी से वो पी लगा रहा है ठीक है वो सोच रहा है पेंट पहनते पहनते सोचता है कि यार मैं कितने तरीके से बदल बदल के कपड़े पहन सकता हूं ठीक है मेरे पास तीन पैंट तीन शर्ट है ठीक है बाकी टी शर्ट जीन्स होंगे लेकिन फॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर तीन पैंट उसने पैंट शर्ट दोनों पहने, तभी कंडीशन कंप्लीट होगी ध्यान से कहानी पे मत रह जाना मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उसे सीखिएगा कंडीशन कब कंप्लीट होगी जब वो पैंट शर्ट दोनों पहन लेगा ठीक है तो पहले उसने पैंट पहना तो पैंट कितने तरीके से पहन सकता था तीन वे से ठीक है अब शर्ट पहनेगा अभी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है अभी इसने पैंट पहना है अभी इसने शर्ट नहीं पहनी तो शर्ट कितने तरीके से पहन सकता है थ्री वे से तो टोटल नाइन वे से ये पेंट शर्ट पहन सकता है मतलब पेयर जो बनेंगे वो नाइन बनेंगे कैसे बनेंगे सोचें पेंट पी वन P2 वन पी टू पैंट वन पी थ्री वन पेंट चेंज कर रहे हैं शर्ट से मै देन पी टू P2 वन पी टू टू सॉरी पी वन टू अच्छा ठीक है मैंने थोड़ी मिस्टेक की है मैं गलती सुधारता हूं इट इज अब हमने क्या किया P1 वन यही रहा अब S2 कर दिया P2 S2 P2 टू पी टू एस थ्री देन पी वन यही रहा एस थ्री कर दिया पी टू एस थ्री और पी थ्री ये पी वन पी टू पी थ्री हुआ पी वन पी टू ये पी थ्री हुआ, हुआ और ये भी पी वन पी टू और ये पी थ्री है लेकिन अब यहां पर एस टू एस टू एस टू था यहां पर एस थ्री एस थ्री एस थ्री था तो आप देखेंगे कि यहां पर जो पेयर बन रहे हैं पेंट तीन ही है तीन शर्ट है लेकिन कितने पेयर बनेंगे नाएन वे. नाएन वे से ये पेर बना के पैंट शर्ट पहन सकता है तो कंडीशन जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो क्या कहलाता है? थोड़ा लगता है अब एडिशन रूल क्या होता है मान लो कोई वो जो स्टूडेंट है जो चिंटू है चिंटू यहां पर है ठीक है चिंटू अपने घर में है घर से इसे कही कहीं ना कहीं पहुंचना है मान लो कोई कोचिंग है क्लास कोई क्लास पहुंचना है या जहां पे भी उसे पहुंचना है अब यहां पे बीच में एक स्क्वायर पड़ता है ठीक है तो ये यह हमेशा यहां से इस स्क्वायर तक जाने के चार रास्ते हैं और यहां से क्लास तक पहुंचने के भी तीन रास्ते हैं ठीक है और यहां से डायरेक्ट पहुंचने के भी मान लो तीन रास्ते ठीक है तो कितने तरीके से चिंटू उस क्लास तक पहुंचेगा ठीक है बात चल रही है। तो कैसे पहुंचेगा क्या पहुंचेगा तो इंडिया ठीक इंडिया, है तो ब्लॉकेज था तो वो दूसरे रास्ते जैसे ही उसके दिमाग में आया कि यार यहां पर लगा सकते हैं कितने वे से मैं पहुंच सकता हूं क्लास ठीक है तो उसने कहा कि फोर वे से पहले वो स्क्वायर तक पहुंचेगा लेकिन अभी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है कंडीशन कंप्लीट करने के लिए उसे क्लास तक पहुंचेगा तभी कंडीशन कंप्लीट होगी तो स्क्वायर तक पहुंचा स्क्वायर से फिर क्लास तक कितने वे से पहुंचेगा थ्री वे से तो हमने मल्टीप्लाई किया ठीक है कंडीशन कंप्लीट हो गई वो पहुंच गया क्लास तक लेकिन जब कभी भी एक कंडीशन जो कंप्लीट हो चुकी है उसे किसी और वे से कंप्लीट किया जा सकता है तो हम प्लस साइन लगाते हैं और दूसरा केस बनाते हैं सो देर आर थ्री वे टू रीच क्लास डायरेक्टली ठीक है तो देर आर ट्वेल्व प्लस थ्री इट इज फिफ्टीन पे मेरी बात सबको समझ में आई हो तो ये सिंपल सा काउंटिंग प्रिंसिपल है कि कितने एडिशन कब करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं जब तक कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन लगेगा एडिशन कब करते हैं जब कंडीशन कंप्लीट हो गई लेकिन उसे किसी और वे से भी कंप्लीट किया जा सकता है मेरी बात समझ में आई हो अच्छा अब इसमें क्या होता है जैसे चार पर्सन है कई तरीके के बनते हैं फोर पर्सन है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर हमारे पास चार चेयर हैं चार लोगों को चार चेयर पे अरेंज करना है कितने वे से ठीक है तो हम कहेंगे पहले प्लेस फर्स्ट प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं फोर वे ठीक है फिर सेकेंड प्लेस को थ्री वे आप समझ रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन क्यों आ रहा है कंडीशन तभी कंप्लीट होगी अब चारों लोग बैठ जाएंगे तो थ्री वे अब यहां पर क्या हो रहा है कुछ कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए पीएनसी प्रॉपर्टी दोनों में काम आती है इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर मैंने कहा कि इन चार लोगों को चार प्लेस पर बिठाना है यहां पर मैंने ये नहीं कहा रिपीट है अलाउ है या नहीं है दोस्तों अगर रिपीटेशन कोई ऐसा केस है जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो ही नहीं सकता अरे जो पर्सन बैठ गया चार में से कोई एक बंदा उस सीट पर बैठ गया अब उसके ऊपर तो कोई बैठेगा नहीं जनरली ऐसा नहीं होता है ठीक है तो रिपीटेशन अलाउ जब नहीं होता है तो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है अगर कोई ऐसा केस है कि रिपीटेशन अलाउ होता ही है तब भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता जैसे आपके पास चार लेटर हैं आपको तीन लेटर बॉक्स में डालना है कितने वैसे डालेंगे तो आपने चार में से कोई भी एक लेटर बॉक्स डाल दिया लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया अब दूसरा जब लेटर आया तो वो लेटर बॉक्स मना नहीं करेगा आप उसमें फिर से डाल सकते हैं ठीक है उस लेटर बॉक्स में लेटर फिर से डाल सकते हैं इसका मतलब है जब भी रिपीटेशन ऑलरेडी अलाउ होता है क्वेश्चन में क्वेश्चन में लिखता नहीं है कोई ऐसा केस जिसमें रिपीटेशन हो भी सकता है और नहीं भी

तो अगर कोई केस है जिसमें रिपीटेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता उस केस में क्वेश्चन में लिखा होता है बात समझ में आ रही है ठीक है पहली बात यह दूसरी बात यह कि पहले ऑप्शन फर्स्ट प्लेस को फिल करने के फोर वे सेकेंड प्लेस को थ्री वे देन टू वे देन वन वे ये ट्वेंटी फोर आ गया ठीक है लेकिन अपन एक और तरीके से कर सकते थे कि P1, P2, P3, P4, फिर से चार प्लेस है मैंने प्लेस की जगह पर्सन को देखा कि पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शन है फोर दूसरे पर्सन के पास थ्री बचा देन टू देन वन आंसर सेम आ रहा है लेकिन ये तभी सेम आ रहा है जब प्लेस और ऑब्जेक्ट सेम है जब प्लेस और ऑब्जेक्ट सेम है अगर प्लेस और ऑब्जेक्ट सेम नहीं हुए तब क्या होगा हमने प्लेस चार ले लिया और तीन पर्सन है ठीक है अब तीन पर्सन को चार प्लेस पर रखना है कितने वैसे तो अगर मैं पर्सन की तरफ से गिनूंगा तो फोर इंटू थ्री इंटू टू ठीक है तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है प्लेस की जब से गिनूंगा तो थ्री इंटू टू इंटू वन कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है ठीक है तो दोनों आंसर सेम नहीं है तो किस तरफ से काउंट करना सही है तो काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको उस तरफ से काउंट करना चाहिए काउंटिंग करते समय अरेंजमेंट की काउंटिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं कम से कम एक बार सारे ऑब्जेक्ट और एक बार एटलीस्ट वन टाइम सारे ऑब्जेक्ट और एटलीस्ट वन टाइम सारे के सारे प्लेस काउंटिंग में आने चाहिए मेरी बात समझ में आई जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट मान लें अगर तीन पर्सन और प्लेस चार हैं तो इस तरह से सोचें कि कम से कम उस तरफ से काउंटिंग करें जिस तरफ से सारे के सारे प्लेस और ऑब्जेक्ट काउंट हो जाए कैसे अगर मैंने पर्सन की तरफ से काउंट किया कि पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शन है फोर ठीक है तो सारे एक बार काउंट हो गए सारे प्लेस पर्सन ये पर्सन काउंट होगा लेकिन सारे प्लेस एक बार काउंट हो गए फिर दूसरे के पास तीन ऑप्शन होंगे तीसरे के पास दो ऑप्शन होंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट काउंट हुए और चारों प्लेस काउंट हुए ठीक है आंसर विल बी ट्वेंटी फोर जबकि अगर अपन प्लेस की तरफ से करें तो प्लेस की तरफ से पहले प्लेस को फिल करने का कितना वे थ्री वे दूसरे प्लेस को फिल करने का टू वे इस प्लेस को फिल करने का वन वे ये वाला प्लेस का काउंट में नंबर ही नहीं आया तो हमें किस तरफ से करना पड़ेगा पर्सन की तरफ से काउंट करना पड़ेगा अब इस चीज को याद रखने के लिए अगर प्लेस और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं आइडेंटिकल का केस नहीं होता है या मैं कहूं रिपीटेशन वाला केस नहीं होता है क्योंकि रिपीटेशन है फिर आइडेंटिकल का केस आ जाता है अगर रिपीटेशन का केस नहीं हो रहा होता तो कम से ज्यादा की तरफ काउंट करते हैं यह याद कर ले कम से ज्यादा की तरफ पर्सन से प्लेस की तरफ क्योंकि पर्सन कम थे अगर मैं कहता कि चार पर्सन है चार पर्सन है तीन प्लेस है कितने तरीके से बैठा ले है? तो कोई कहेगा सर पागल बना रहे हो तीन प्लेस में चार लोग थोड़ी बैठते हैं मैंने कहा बैठेंगे तो तीन ही लेकिन काउंट तो करोगे कुर्बानी तो कोई ना कोई देगा लेकिन काउंटिंग में तो आएगा तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये तो सोचो तो किस तरफ से काउंट करेंगे प्लेस की तरफ से पहले पर्सन की तरफ से कर रहे थे क्योंकि पर्सन कम थे प्लेस से अगर दोनों बराबर हो तो टेंशन नहीं है अब प्लेस की तरफ से तो पहले प्लेस को फिल करने का फोर वे देन थ्री देन टू वे

टॉप थ्री प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे क्या इसमें रिपीटेशन हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट आ जाए वो वापस पीछे आके फिर दौड़ जाए वही सेकंड आ जाए फिर पीछे आके फिर दौड़ जाए फिर वही थर्ड आ जाए ऐसा नहीं होता है ठीक है सो इट विल बी प्लेस विल बी डिस्टिंक्ट यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो दस लोगों को तीन प्लेस पर फिल करने का वे किस तरफ से काउंटिंग होगी पर्सन की तरफ से होगी प्लेस की तरफ से प्लेस की तरफ से होगी क्योंकि प्लेस कम है और ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो पहले प्लेस को फिल करने के दसवे दस में से कोई भी पर्सन फर्स्ट आ सकता है अब जो फर्स्ट आ गया उसे छोड़ दो सेकंड प्लेस को फिल करने के नाइन वे थर्ड प्लेस को फिल करने के सो इट इज मेरे ख्याल समझ में आया होगा सबको यहां तक क्लियर आइए आगे बढ़े देन गैप एंड बॉक्स मेथड अब क्या होता है जब आप ये अरेंज कर रहे हैं तो कभी ऐसा केस बनता है कि दो पर्टिकुलर लोग एक साथ बैठे मान लो पांच लोग थे पी वन पी टू थ्री पी फोर पी फाइव मैंने कहा कि ये दो लोग एक, हमेशा एक साथ बैठे क्वेश्चन बनाया पी वन एंड पी फोर सॉरी पी फोर एंड पी फाइव ऑलवेज सिट टूगेदर ठीक है केवल दो लोगों के लिए बनाया या तीन लोग ले लो पी थ्री भी ले लो ठीक है ये भी ले लिया Always sit together. ये तीनों हमेशा साथ में बैठे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसके लिए हम बॉक्स मेथड लगाएंगे साथ में बैठेंगे तो P1, P2 और P3, P4, P5. एक तो कितने ऑब्जेक्ट हुए वन टू और थ्री ये तीन ही ऑब्जेक्ट है तो तीन ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से तीन प्लेस ही घेरेंगे ऐसा मान के चला जाएगा कि ये तीन ही प्लेस ले रहे हैं तो थ्री इंटू टू इंटू वन जब प्लेस और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख सकते हैं मतलब तीन तीन ऑब्जेक्ट को बिठाने का कितना वे होगा थ्री फैक्टोरियल ठीक है अब लेकिन हर अरेंजमेंट में जैसे ऐसे ही बैठे अगर ठीक है इनको अलग अलग तरीके से बिठा सकते हैं लेकिन अगर ये ऐसे ही बैठे तो हर अरेंजमेंट में ये आपस में भी अरेंज होंगे डब्बे के अंदर बैठे बैठे भी अरेंज होंगे कितने वे से तीन है तो थ्री फैक्टोरियल से मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन तो आंसर विल बी थ्री फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अगर किसी पर्टिकुलर लोगों को एक साथ बिठाना है ठीक है अगर पर्टिकुलर लोगों को एक साथ बिठालना है तो बॉक्स मेथड काम आता है सेकंड, अगर ये बोलता नॉट ऑल पी फोर पी थ्री पी फोर पी फाइव आर सिट टुगेदर इसका मतलब क्या है कि तीनों एक साथ नहीं बैठे Not all. ये तीनों एक साथ नहीं हैं। दो एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन तीनों एक साथ ना बैठे तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या है कि सारे एक साथ ना बैठे दो लोग एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन तीनों के तीनों एक साथ ना बैठे तो हम सिंपल सा काम करेंगे कि पांच दिए हुए हैं। इनके टोटल अरेंजमेंट क्या होते हैं कितने तरीके से बैठते हैं फाइव फैक्टोरियल उसमें से ये वाला केस जो था फर्स्ट केस ये माइनस कर देंगे टोटल अरेंजमेंट में वो भी आ रहा होगा जब ये सारे साथ में बैठ रहे हैं जब ये दो साथ में बैठ रहे हैं जब ये अलग अलग बैठ रहे हैं सारे केस आ रहे होंगे उसमें से हमने वो वाला केस हटा रहा है जब ये लोग एक साथ बैठ रहे थे क्योंकि हमें चाहिए नॉट ऑल सिट टूगेदर ठीक है दिस तो फाइव फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ठीक है लेकिन अगर आपसे कहा गया ये तीन ही केस बनते हैं पहला केस सारे ये पर्टिकुलर लोग साथ में बैठे ये सारे के सारे एक साथ में बैठे और तीसरा के ऑल पी थ्री पी फोर पी फाइव आर सेपरेट ठीक है मतलब सब अलग अलग हो ठीक है सब अलग अलग बैठे तो सब अलग अलग के लिए गैप मेथड लगता है ठीक है गैप मेथड में क्या होता है जिनको अलग अलग बिठाना है जिन, जिनकी बन नहीं रही है उन्हें बाहर बगा हैं। उनको अरेंजमेंट से बाहर कर दो हमने इनको अरेंजमेंट से बाहर कर दिया कितने बचे P1 और P2 दो लोग बचे बाकियों को बाहर बाकी दिनों को बाहर कर दिया ये दोनों बचे इनको अरेंज करेंगे टू फैक्टोरियल से अब इसके बाद गैप कितने बनेंगे सुनना P1 P2 एक पर्सन दो गैप बनाता है मैं खड़ा हूं मैं यहां पर दो गैप बना रहा हूं दो लोग होंगे तो तीन गैप बनेंगे अब इन तीन गैप में जिनको हटाया था उनको लेके आएंगे इन तीन गैप में उनको रखेंगे और अरेंज करेंगे तो तीन गैप में तीन लोग ही आ पाएंगे और तीन लोगों को अरेंज करने का ये इसी प्लेस पे आपस में अरेंज होंगे कितने वे से थ्री फैक्टोरियल से क्योंकि जितने प्लेस हैं उतने लोग हैं अगर ये के, यही केस अगर यही केस हम छह लोगों के लिए बनाते हैं वन पी टू पी थ्री पी ठीक है अब मैं कहता हूं कि ये तीन लोग नेवर सिट टूगेदर नेवर सिट टूगेदर या मैं ऐसा भी ना कह के ये वाला केस लेता हूं ठीक है सेपरेटेड कंफ्यूजन ना हो कि इन तीनों को अलग अलग बिठाना है तो इनको पहले भगा दो कितने बचे P1, P2, P3 ये तीन बचे अब इनको अरेंज करेंगे थ्री फैक्टोरियल से इनसे गैप कितने बनेंगे चार अब चार गैप हैं और तीन लोग हैं कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है प्लेस ज्यादा है और ऑब्जेक्ट कम है तो ऑब्जेक्ट की तरफ से काउंट करो मैंने जो बेसिक प्रिंसिपल बताए हैं उनको यूज करना सीखे बहुत आसान है ठीक है तीन पहले तीन को फैक्टोरियल से अरेंज किया और इस वीडियो को लगा बार बार देखें समझ में आएगा ठीक है चार गैप बने तीन ऑब्जेक्ट को चार गैप पर बिठाने का वे कितना होगा पहले प्लेस पहले ऑब्जेक्ट को बिठाने का फोर वे देन थ्री वे देन टू वे ये आंसर है ठीक है तो ने दोबारा देखिएगा गैप और बॉक्स मेथड बता दिया है अब हम जा सकते हैं कॉम्बिनेशन पे तो कॉम्बिनेशन देखो तीन चार पांच कंसेप्ट हैं थ्योरी के वो तो जैसे ही कदम होते हैं हम प्रीवियस जेई मेंस लगाएंगे और आपको देखिएगा बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं टफ क्वेश्चन नहीं आते बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं ठीक है बस दिमाग चलाइएगा कॉम्बिनेशन मतलब है सिलेक्शन सिलेक्शन कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन भी बोलते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन ठीक है Number of group or selections of R distinct thing out of N distinct thing out of n distinct things is equal to N CR. मतलब एन में से आर को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाना दस लोगों में से दो दो के ग्रुप बनाना कोई कहे ऐसा पांच ग्रुप बनेंगे पांच ग्रुप नहीं बनेंगे दस में से दो दो के ग्रुप जो बनेंगे आपने वन टू लिया होगा वन टू लिया होगा ये एक ग्रुप वन थ्री लिया ये भी एक ग्रुप वन फोर लिया ये भी एक ग्रुप फिर टू थ्री लिया इस तरह से ठीक है तो जितने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं दैट इज कॉल्ड एनसीआर एन में से आर को सिलेक्ट करके आर डिस्टिंग थिंग है एन डिस्टिंग थिंग है उनमें से आर डिस्टिंग थिंग को सिलेक्ट करके बनाने वाले ग्रुप जैसे तीन है ए बी सी मैंने कहा इनमें से दो दो के ग्रुप बनाने हैं दो दो के ग्रुप बनाने कैसे बनेंगे तो हम कहेंगे ए बी बी सी और ए सी अब आप कहोगे बी ए बी तो बन सकता है नहीं हम अरेंज नहीं करते ग्रुपिंग में आप बंडल बना बना के फेंकते आते हो अरेंजमेंट नहीं देख रहे उसमें ठीक है तो कैसे बनेंगे तो मैं कहूंगा तीन थे तीन में से कितने लेने थे दो थ्री सी टू थ्री सी टू इज थ्री मैंने बाइनोमियल अगर आपने नहीं देखा तो बाइनोमियल देखिएगा शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया कितने वे होंगे थ्री वे तीन ग्रुप बनेंगे ठीक है अगर चार होते ए बी सी डी चार में से दो को सिलेक्ट करना है चार में दो सिलेक्ट कर रहे हैं कितने वे से तो देखो ए के साथ बनाओ ए बी ए सी ए डी ए बी ए सी ए डी और कितने बनेंगे फिर बी से चालू करो ए क्या हो गए बीसी बी डी बीसी बी डी और फिर सीडी के so दो फोर सी टू इट इज फोर इंटू थ्री जितनी रिड्यूस करें डिवाइड बाय नीचे उसका फैक्टोरियल आंसर इज सिक्स सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन ये डिस्टिंग के बारे में था अगर आइडेंटिकल होते ठीक है मतलब फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें सिलेक्ट करना है थ्री ठीक है थ्री ऑब्जेक्ट्स, कितने वैसे होंगे तो देखो क्या होता है मान लो पांच डिफरेंट बॉल थी एक डब्बे में आप रेंडमली उठा रहे हैं आपने उठाया तीन देख ली अलग अलग कलर की हैं फिर रख दी फिर उठाया सेम कलर की आई तो उसे काउंट नहीं किया अलग कलर की आए तो उसे काउंट किया तो आंसर फाइव सी थ्री होगा लेकिन पांचों की पांचों आइडेंटिकल है आपको तीन उठानी है आपने पहली तीन उठाई देखी फिर वापस रख दी फिर दोबारा उठाई अब वही वाली आई है यस दूसरी आई है पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पांचों आइडेंटिकल है सो देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे पांच में से एक को सिलेक्ट करने का पांच को सिलेक्ट करने का तीन को सिलेक्ट करने का सबका वन वे अगर आइडेंटिकल है तो डिस्टिंक्ट है तो फाइव सी थ्री मेरी बात समझ में आया हो ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं देन अरेंजमेंट जो पूछे गए हैं सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आए हैं अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब अपन अभी डिस्टिंग ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर रहे थे ठीक है मतलब पांच थे one, two, three, four, five, पांच हैं पांचों के पांचों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फाइव फैक्टोरियल ठीक है पांच में से चार को कितने तरीके से अरेंज करें पांच में से चार को कितने तरीके अरेंज करें तो प्लेस कब कितने हैं आप चार पर्सन कितने हैं पांच तो प्लेस की तरफ से काउंट करो ये फर्स्ट प्लेस को फिल करने का फाइव है देन 4 वे देन 3 वे देन 2 वे तीन प्लेस बचे कितने वे प्लेस से काउंट करो ऑब्जेक्ट ज्यादा है फर्स्ट प्लेस को 5 वे देन 4 वे देन 3 मेरी बात समझ में आ रही हो इसी को सिलेक्शन से कैसे करेंगे कि पांच अब सिलेक्शन से जो अभी हमने सीखा कि पांच कहां पांच के पांच को अरेंज करना है मतलब पांच में से पांचों को सेलेक्ट करो और अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा 5 फैक्टोरियल से ठीक है पांच में से चार प्लेस हैं पांच में से चार को करना है तो पांच में से पहले चार को सिलेक्ट करो पांच में से कोई भी चार सिलेक्ट किए ठीक है ठीके? और उनको रखा इसमें और अरेंज किया कितने में से फोर फैक्टोरियल से तीन पांच में से तीन को तो पांच में से पहले तीन सिलेक्ट करो कोई भी तीन सिलेक्ट किए तीन इसमें रखे अरेंज किया कितने में वैसे थ्री से आप बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल बताया है उससे जा सकते हैं और ये कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं उससे भी जा सकते हैं अब लेकिन क्या हो रहा है ये डिस्टिंग का केस था ये सारा केस किसका था डिस्टिंक्ट डिस्टिंग ऑब्जेक्ट लेकिन अगर आइडेंटिकल अलाइक मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आ गए तब क्या करेंगे ठीक है तो अगर मैं लिखता हूं आ, इंडिया मैंने इंडिया लिखा ठीक है इंडिया वर्ड से कितने और वर्ड बन सकते हैं ठीक है उनको आगे पीछे कुछ भी करके बनाए कितने वर्ड बनेंगे तो भाई वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो फैक्टोरियल और इसमें से जितने वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं उतने फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं क्यों क्या कैसे भी मत समझे कोई जरूरत नहीं है बस याद रखें जैसे मैं लिखूंगा मम्मी ठीक है तो इनके लेटर से कितने वर्ड बनेंगे भले वो आ, सेंसिबल हो या नॉन सेंसिबल हो कितने बनेंगे फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल क्योंकि एम तीन बार आ रहा है डेडी वर्ड से इनके लेटर से कितने वर्ड बनेंगे सेम आएगा भाई मम्मा हो या डैडी हो दोनों सेम है ठीक है बात समझ में आ रही है तो जितने भी रिपीटेशन होता है उतना लिख दिया जाता है मेरे ख्याल से समझ में आया हो अब लेकिन क्या है ये टेकन ऑल एट अ टाइम था मतलब पांच के पांचों ले रहे हैं और उनसे लेटर बना रहे हैं तो बहुत आसान है मतलब मैं अरेंजमेंट या कुछ भी ले लेते हैं आ, मैं इंदौर रहता हूं तो इंदौर ले लेते हैं इंदौर से कितने बनेंगे तो यहां पर सारे हैं तो फाइव फैक्टोरियल रहेगा लेकिन अगर, अगर अपन कुछ और ले लेते हैं मान लो अरेंजमेंट ये ले लेते हैं, ले ले हैं। कितने बनेंगे भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ए कितनी बार आया दो बार तो दो फैक्टोरियल आर कितनी बार आया दो बार दो फैक्टोरियल ई कितनी बार आया दो बार टू फैक्टोरियल ठीक है एन कितनी बार आया दो बार टू फैक्टोरियल जो वर्ड जितनी बार यूज हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है उतने फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं लेकिन ये क्या हो रहा था ये हमने सारे लेटर लेके अरेंज करके वर्ड बना रहे हैं इसलिए इसे कहते हैं टेकन ऑल एट अ टाइम अब टेकन सम एट अ टाइम का भी समझे ये आखिरी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है आखिरी चीज फिर क्वेश्चन चालू करेंगे इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं वो केवल डिक्शनरी वाले पे और आए हैं उसके अलावा कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है जितना मैंने बता दिया उसमें से आंसर आ जाता है है ठीक अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम सम एट एट अ अ टाइम टाइम मतलब जैसे हमने इंडिया ले लिया आई एंड डी आई इंडिया ठीक है और मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा निश्चिंत रहिएगा बस बेसिक समझ लें फिर क्वेश्चन में अपन देखेंगे इंडिया वर्ड था इंडिया वर्ड के लेटर से ये जो लेटर थे इनसे हमसे बोला जाए कि फोर लेटर का वर्ड बनाओ फोर लेटर वर्ड बनाओ कितने बनेंगे अब टेकन टाइम मतलब पांच में से चार लेके बनाना है तो आपको डाउट होगा कि सर आई भी ले सकते हैं क्या कैसे लेंगे तो यहां पर कितने केस बनेंगे हो सकता है जो वर्ड बने वो क्या हो चारों डिस्टिंक्ट हो या तो ये हो सकता है चार लेटर के वर्ड बनाने या फिर ऐसा हो सकता है कि दो डिस्टिंक्ट हो और दो क्या हो आइडेंटिकल हो भाई ऐसा ही हो सकता है क्योंकि तीन आइडेंटिकल तो है नहीं इसमें है। तो इसे कैसे लिखते हैं इसे ऐसे लिखते हैं हैं कि डिस्टिंग वर्ड कितने लेटर है? कितने हैं आई है N है I है, N है, है और ए तो सबसे पहले अगर मैं इसको बनाऊं चार डिफरेंट तो हमारे पास चार डिफरेंट हैं चारों के चारों में से चारों के चारों सब में से पहले तो हमने इनको सिलेक्ट किया चारों के चारों को और सब में से वन वन वे से एक एक निकाल लिया दो आई में से एक क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं दो आई एक निकालने का कितना टू सी वन नहीं होगा, अभी बताया था आइडेंटिकल करने का हमेशा होता है तो दो आई एक आई निकाला वन वे से एन एक डी में से एक ठीक है और यह सिलेक्शन हुआ अब इनको अरेंज कर दिया तो अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा फोर फैक्टोरियल से। ठीक है चार ऑब्जेक्ट हैं सारे कितना हो गया ट्वेंटी फोर

अगर आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में नहीं आई हो तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और क्लियर होगी तो भाई ये हो गया कितना थ्री इन टू ट्वेंटी फोर बाई टू इट इज ट्वेल्व आंसर इज थर्टी सिक्स ठीक है ये आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया हो ठीक है नहीं आया हो तो अपन क्वेश्चन में भी समझेंगे और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं लास्ट ईयर प्रॉब्लम है मैंने सारे क्वेश्चन थोड़ा सा आ, मतलब अलग अलग ईयर के क्वेश्चन कंबाइन करके लिए हैं जो सेम टू सेम दिखते हो ठीक है द नंबर ऑफ सेवन इसे रोकिएगा अपने हिसाब से बनाइएगा फिर वीडियो आगे बढ़ाइएगा ठीक है द नंबर ऑफ सेवन डिजिट इंटीजर सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू टेन बाय यूजिंग द डिजिट वन टू थ्री ठीक है hmm. अब ये बेसिक क्वेश्चन है कि आपको सेवन डिजिट का नंबर बनाना है वन टू थ्री यूज करके मतलब रिपीटेशन हो गई होगा और उनका सम क्या होना चाहिए टेन होना चाहिए तो कैसे कैसे सोचें इसे पॉज करें और फिर सोचें वन 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 भाई तीन और दो पांच होता है और वन 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 के फाइव ले लिए एक टू ले लिए एक थ्री ले लिया हो गए सेवन लेटर सेवन डिजिट का नंबर बन रहा है और सम कितना होगा टेन होगा अब ये थ्री में से टू एक निकाल के इधर दे दो तो ये वन, वन 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 चार वन और टू टू टू, टू तब भी टेन होगा और कुछ नहीं कर सकते आप कहो इस टू को तोड़ के इधर दे दें दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी अगर टू बन जाएगा यही इसी तरह का मतलब जो पैटर्न होगा वो यही दो होंगे अब इनको अरेंज करना पड़ेगा वो अलग बात है इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अगर इससे बनाते हैं हम सेवन लेटर तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं मतलब टू वन 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 थ्री कैसे अरेंज होगा तो सेवन फैक्टोरियल टोटल थे डिवाइड बाय कितने है है फाइव फाइव बार 5 बार बना रहा इसमें सेवन फैक्टोरियल है डिवाइड बाय फैक्टोरियल फैक्टोरियल मेरे ख्याल से आप लोग बना पाए सेवन इंटू सिक्स बचेगा फाइव फैक्टोरियल कैंसिल सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फोर फैक्टोरियल कैंसिल और थ्री इंटू टू सिंप्लीफाई आप खुद कीजिएगा थर्टी फाइव फोर्टी टूटे सेवन सेवन आंसर सेवन ऑप्शन सही है ठीक है बेसिक आइडिया के क्वेश्चन है जितनी एक ही वेराइटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ठीक है तो मैंने सारे नहीं रखे हैं अलग अलग कंसेप्ट के रखे हैं लेकिन बेसिक वही है देखो बेसिक पकड़ो द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर तीन डिजिट का नंबर बनाना है सम जो हो वो टेन हो कैसे कैसे बनेगा सोच के देखें तो मैंने कहा सेवन है सबसे ऊपर की वैल्यू उठाओ टेन तो मैं ले नहीं सकता नाइन से ले सकता हूं तो नाइन अगर ले लिया तो दो डेट का नंबर बनेगा क्योंकि अगला होगा तो एट से चालू करो ये मैंने लिया एट ठीक है फिर आ, वन वन। एट वन वन। एट लिया तो वन वन। ये तीन डेट का बन गया ठीक है अब आगे बढ़ाते जाओ तो इसके जितने बनेंगे कितने बनेंगे इसके थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल अरे अरेंज करेंगे तीन डिवाइड बाई टू इट इज थ्री फिर इसमें से एक वन दे दिया सो इट इज ठीक है कितने हो गए ये सारे डिस्टिंग तो थ्री फैक्टोरियल इट इज सिक्स फिर क्या कर सकते हैं इसे वन को रहने दो इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा क्या इट इज थ्री सिक्स इट इज थ्री फैक्टोरियल अगेन इट इज सिक्स ऐसे बनाते हैं बस और कुछ नहीं है इट इज फोर फाइव वन जिंदा रहने देना जितना जा, जा सकता है इट इज अगेन थ्री फैक्टोरियल इट इज सिक्स

थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय कहीं रिपीटेशन नहीं हो जाए ये दिमाग में रखना है इट इज थ्री फैक्टोरियल ओनली वन कुछ नहीं है थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स फिर थ्री फोर फोर टू फोर फोर ठीक है सो इट इज थ्री फैक्टोरियल दो आइडेंटिटी टू फैक्ट ऐसे बनाते हैं बस और कुछ भी नहीं करना है अब फिर से चालू हो जाओ यहां पर हमने टू दिया था एक टू आगे दे दिया था ठीक है यहां तक आ गए थे अब इसमें ये हमने केस बनाया अब इसमें थ्री दे, दे देते हैं वन हो गया टू हो गया और क्या क्या बन सकता है वो बनाते जाओ टू में एक और वन दे दिया वन दिया इधर वन इट इज टू एंड दिस इज फाइव ये बन जाएगा ये पहले ही बन चुका तो अब और कुछ रह गया हो वो देख लीजिए थ्री थ्री नाइन था टेन तो फोर थ्री थ्री फोर थ्री थ्री फोर बना गया अभी नहीं बना तो थ्री थ्री और फोर ठीक है थ्री थ्री फोर कहीं नहीं आया

ऐसा नंबर बनाओ कि उसमें ये होनी चाहिए। केवल ये आएंगी नहीं है तो सिंपल सी बात है अगर ये पांच डिजिट हैं और इनको आना है और छह डिजिट का बनाना है मतलब एक कोई डिजिट होगी इन पांचों में से जो क्या हो रही है रिपीट हो रही है मेरी बात समझ में आ रही है इनमें से कोई एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है तो रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे क्या हम इन पांचों में से किसी एक को पहले सिलेक्ट करेंगे और ये मान लेंगे कि वो दो बार रिपीट हो रहा है पांचों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया वो दो बार रिपीट हो रहा है और बाकी सब एक एक बार रिपीट हो रहे हैं जिससे कि सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं तो छह डिजिट के नंबर है जिसमें दो डिजिट रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे सिक्स फैक्टोरियल और एक डिजिट ऐसी है दो बार रिपीट हो रही है तो डिवाइड बाई टू मतलब ऐसा हो रहा है वन वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो इसका एक ऐसा बनेगा थ्री थ्री वाला बनेगा या फाइव फाइव वाला तो ऐसे पांच तरीके से बन सकते हैं तो ये हुए हैं फाइव बाई टू इन टू है बस इतना ही करना है ये जेई मेन्स के क्वेश्चन चल रहे हैं सामने मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है उसके अलावा केवल अपने बेसिक सेंस रखिएगा और आंसर आता जाएगा ठीक है दोस्तों क्या बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर है एंड मतलब टू जो है उसमें टू आ रहा है तो इसको तो वन वे से अपन ने फिल कर दिया और सारी डिजिट डिस्टिंग रखनी है तो नंबर ऑफ वेज जो आ रहे हैं वो थ्री थ्री सिक्स टू के आ रहा है तो के वैल्यू बतानी है ठीक है तो मुझे बताना भाई ये टेन थाउजेंड प्लेस जो है इस पर हम जीरो रख नहीं सकते इस पर कभी जीरो नहीं आता इस पर जीरो नहीं आ सकता ठीक है जीरो नहीं रख सकते और टू क्योंकि डिस्टिंक डिजिट चाहिए सारी तो टू भी नहीं रख सकते और टू नहीं रखेंगे और जीरो नहीं रखेंगे तो कितने वे से फिल होगा ये एट वे से बाकी कोई भी डिजिट रख दो जीरो से लेके नाइन तक जीरो और टू को छोड़ के क्योंकि टू हर डिजिट एक ही बार आ सकती है तो इसको यहां पे टू नहीं आ सकता क्योंकि टू ऑलरेडी टेंथ प्लेस पे आ गया और मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन को पॉज करके करिएगा खुद से और जीरो नहीं आ सकता था अब इस प्लेस पे क्या हो सकता है टू तो इधर आएगा नहीं और जो आठ डिजिट में से कोई डिजिट यहां पे आ है ऐसे कम करते आएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है नहीं तो हम कहते एट, देन एट, 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 करते मेरी बात समझ में आ रही हो तो यहां से कैंसिल कर लो कटेगा सिक्स से कटो सिक्स फाइव सिक्स 7 से, है, है है, है। तो के की है के की की वैल्यू वैल्यू कितनी आ आ रही रही भाई? ये आंसर देख रहे हैं, एक-एक एक-एक लाइन लाइन क्वेश्चन बस थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा सा, आपको, खुद को कॉन्फिडेंस में लाइए जितना हमने पढ़ लिया उतना काफी है ठीक है वर्ड मदर मदर की पोजीशन डिक्शनरी में कहां होगी अब पहली बात तो यही कंफ्यूजन होता है कौन सी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की साहिल की बहुत सारी डिक्शनरी आती है आजकल तो भाई कोई डिक्शनरी नहीं है इसमें से पहली बात ठीक है डिक्शनरी का मतलब क्या है तुम ये बताओ मदर वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंगफुल कितने बनेंगे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे डिस्टिंक्ट हैं तो सिक्स फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे छह प्लेस को होगा फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तो so, बनेंगे अब का सिंपल सा मतलब है dictionary में आप कैसे देखते हैं अल्फाबेटिकली देखते हैं तो so, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा मदर वर्ड से अगर अपन मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो ई से शुरू हो रहे होंगे क्योंकि इनमें से ई सबसे पहले आएगा ठीक है ई e से शुरू हो रहे होंगे तुम्हें कहां तक जाना है एम 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 तक फिर 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 कौन कौन सा वर्ड वर्ड आएगा जो जो एस से 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 शुरू शुरू हो रहे होंगे होंगे आएंगे तो जैसे फिर तुम तुम पर पहुंचोगे में ढूंढोगे ठीक है लेकिन एम में फिर से कौन सा वर्ड आएंगे जो ई e से शुरू हो रहे होंगे एम के बाद फिर वाले वर्ड आएंगे जो एम के बाद एस से शुरू हो रहे होंगे फिर उसके बाद वो वर्ड आएंगे जो एम के बाद ओ जैसे तुम्हें ओ मिल गया फिर तुम ढूंढोगे फिर से कौन से वर्ड आएंगे जो एम के बाद ओ के बाद ई आ रहा मेरी बात समझ रहे हैं तो ऐसे करके आपने एक एक करके सेवन ट्वेंटी को एक एक पेज पे एक एक वर्ड लिखा लिखते गए लिखते गाए, लिखते गए डिक्शनरी लिखते है जो कि मदर वर्ड के लेटर्स से जो डिक्शनरी बनी है अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के फॉर्म में दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी अब इस सेवन ट्वेंटी वर्ड में मदर वर्ड किस रैंक पे होगा वो बताना है मेरी बात समझ में आ गई हो तो शुरुआत ऐसी ही होगी भाई कि हम सबसे पहले ई से शुरू करेंगे कितने प्लेस बचे है? पांच तो फाइव फैक्टोरियल से सारे वर्ड हो गए हमें ई पे नहीं रुकना जहां पे रुकना है एम पे ई के बाद डिक्शनरी में और क्या आएगा फिर एच आएगा तो एच के भी फाइव फैक्टोरियल वर्ड होंगे फिर क्या आएगा एम आएगा तो जैसे एम आया एम को ब्लॉक कर दिया अब इसके अंदर देखना है तो एम के जस्ट बाद फिर से क्या आएगा ई आएगा अल्फाबेटिकली तो यहां पर चार प्लेस बचे तो फोर फैक्टोरियल फिर एम के बाद ई के बाद क्या आएगा ई के बाद एच आएगा और फैक्टोरियल ठीक है फिर इसके बाद क्या आएगा फिर ओ आ जाएगा तो ओ आएगा तो ओ को ब्लॉक कर दो क्योंकि एम ओ टी एच बाद फिर से क्या आएगा ई e, e नहीं चाहिए भाई e नहीं चाहिए हमें तक पहुंचना है है ठीक तो ई e आएगा तीन प्लेस बचे थ्री फैक्टोरियल फिर एम ओ तो ब्लॉक है ई e के बाद क्या आएगा एच आएगा एच भी नहीं चाहिए थ्री फैक्टोरियल फिर एम एम हो चुका ओ हो चुका एच एच हो चुका अब क्या आएगा ओ हो चुका टी नहीं आएगा आर आएगा आर ले लो ये भी थ्री फैक्टोरियल ठीक है फिर उसके बाद क्या आ रहा होगा एम ओ आर के बाद अब टी आएगा जैसे ही टी आया टी को ब्लॉक किया अब इसके बाद क्या आएगा फिर से ई e आएगा तो ई e नहीं चाहिए तो दो टू फैक्टोरियल तो एम ओ टी ये ब्लॉक था ई e के बाद क्या आएगा एच आएगा एच चाहिए एच ब्लॉक कर दो ठीक है इसके बाद फिर क्या आएगा ई e आएगा ई e भी ब्लॉक कर दो और फिर क्या आएगा कुछ नहीं बचा तो फिर से आर बचा इट इज वन मेरी बात समझ में आई हो तो अब इन सबको ऐड कर लेना तो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सिक्स 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 टू और वन इन सबको ऐड कर लें जो पोजीशन आएगी दैट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर इन द डिक्शनरी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड मदर इन डिक्शनरी फॉर्म इन अल्फाबेटिकल फॉर्म मेरी बात समझ में आई हो इस पर क्वेश्चन आए हैं ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है सबको समझ में आया हो लॉजिकली कोई मिस्टेक नहीं है अगर कहीं मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करी हो तो मैं माफी जाता हूं अगला देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है ठीक with है इनमें से फ्रॉम द वर्ड दिस

लिख लिया फिर वाय है ए है बी है और यू है ठीक है ये दो बार है ये दो बार है ये 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 एक बार, ये एक एक बार 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 और ये भी एक बार ठीक है तो यहां तक अपन पहुंच गए हैं अब जरा समझना ये डिस्टिंग हो गए मुझे कैसे चाहिए वर्ड एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एक्स दो आइडेंटिकल दो तो पहले आइडेंटिकल कौन कौन दे सकता है ये दोनों आइडेंटिकल दे सकते हैं दो दो ठीक है तो पहले मैं क्या करूंगा सिलेक्ट करूंगा इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया या तो एस को किया या एल को और उसमें से वन वे से दो निकाल लिए मान लो मैंने एस को सिलेक्ट किया और इसमें से दो वन वे से निकाल लिए, दोनों आइडेंटिकल थे निकालने का भी वन वे देन अब डिस्टिंग निकालने हैं, तो डिस्टिंग के लिए क्या बचा ये पांच बचे मान लो अपन ने एस में से निकाला था ऐसा मान रहे वो तो दोनों आ गए इसमें टू सी वन मतलब दो वे से निकाल सकते थे या तो एस से या एल से मान लिया हमने एस से अगर एस को सिलेक्ट किया दोनों में से किसी एक एस को सिलेक्ट किया उसमें से वन वे से टू निकाल लिए तो अब पांच लेटर बचे हैं डिफरेंट और उसमें से दो डिस्टिंग चाहिए तो पांच में से दो सिलेक्ट करो और उनमें से वन वन वे से एक एक निकाल लो ठीक है ये तो सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा होगा ये ठीक है मान लो ऐसा दिख रहा होगा कि एल ए एस एस अब इनको क्या करना है फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई दो ऐसे वर्ड बन सकते हैं इट इज टू फोर्टी वर्ड मेरी बात सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है आई आगे, आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स मीनिंग एंड विदाउट मीनिंगट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी लेटर ऑफ दर्ड लेटर इन विच वेदर सारे वॉर्स अलग अलग हों कितने दोनों क्या हूं अलग अलग हूं सेपरेट हूं तो यहाँ पे हम गैप मैथड लगा रहे हैं दोनों ई को भगा दिया जो अलग अलग रहना चाहता है उसे भगा दिया कितने बचा एल टी टी आर ठीक है इनसे कितने वर्ड बनेंगे भाई इनसे बनेंगे फोर फैक्टोरियल लेकिन दो बार टी है डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल ठीक है अब इनसे गैप कितने बने पांच गैप बने हमें लेटर कितने रखने हैं दो ऑब्जेक्ट कम है प्लेस ज्यादा है तो पहले के पास कितने ऑप्शन पहले के पास कितने ऑप्शन इट इज फाइव और दूसरे के पास कितने है? फोर ठीक है आप ऐसे नहीं करते तो मैं ऐसा कहता कि पांच में से दो गैप सिलेक्ट किए उसमें इनको रखा

हमने ये गलत किया है क्योंकि इसमें से हम कौन सा लेटर उठाएंगे ये पता नहीं लग रहा मेरी बात समझ रहे हैं कौन सा ई उठाएंगे दोनों आइडेंटिकल हैं तो फिर हमें करना चाहिए प्लेस कभी आइडेंटिकल नहीं होते प्लेस ऑलवेज डिस्टिंक्ट होते हैं चाहे वो कहीं भी आए तो पांच में से दो प्लेस दो वे से सिलेक्ट करेंगे और उसमें दोनों ई रखेंगे और अरेंज करेंगे कितने वे से टू फैक्टोरियल से लेकिन टू की टू आइडेंटिकल है तो आंसर जो आएगा टेन आएगा फाइव इंटू फोर करने पर क्या हो रहा है ई ई अरेंज हो रहे हैं पहले ई e को अरेंज करने का फाइव वे दूसरे ई e को फोर वे लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं तो फाइव इंटू फोर नहीं लिख सकते फाइव सी टू इंटू टू फैक्ट्रेल लिखेंगे मेरी बात समझ में आ रही हो ठीक है तो यहां पे आ जाएगा कितना ये इज इज दिस आंसर मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आया हो आइए आगे बढ़ते हैं देन टू फैमिली विथ थ्री मेंबर्स ईच एंड अच्छा टू फैमिली विथ थ्री मेंबर्स ईच एंड वन फैमिली विथ फोर मेंबर्स भाई दो फैमिली है एफ वन एफ टू और ये तीसरी फैमिली है एफ थ्री इसमें तीन मेंबर है इसमें तीन मेंबर है और एफ थ्री में चार मेंबर है ठीक है बी सीटेड इन में बिठा ले जा रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड सेम फैमिली मेंबर आर नॉट सेपरेटेड मतलब ये फैमिली मेंबर अपने एक साथ बैठेंगे ये तीनों एक साथ बैठेंगे और ये चारों एक साथ बैठेंगे इनको रो में कैसे जमाया जाए तो भाई कितने इनको बॉक्स मेथड लगा रहे हैं डब्बे में बंद कर दिया मेरी बात समझ में आ रही हो हमने गैप मेथड देखा बॉक्स मेथड देख रहे हैं बोल रहा है कि फैमिली मेंबर अपने फैमिली के साथ ही रहे तो तीन ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का थ्री फैक्टोरियल वे ठीक है अब हर अरेंजमेंट में ये आपस में अरेंज होंगे थ्री फैक्टोरियल से ये आपस में डब्बे के अंदर अरेंज होंगे थ्री फैक्टोरियल से और ये डब्बे होंगे थ्री फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू फोर फैक्टोरियल so is, हाँ ठीक है सेकेंड ऑप्शन ठीक है ना मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों के लिए हो रहा है ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं देन एन अर्न कंटेन फाइव रेड मार्बल फोर ब्लैक मार्बल थ्री व्हाइट मार्बल देन नंबर ऑफ इन विच फोर मार्बल कैन बी सो अच्छा एक बैग था, था बैग टू था बैग थ्री था इसमें पांच रेड थे इसमें फोर अच्छा एक ही बैग है ओ हो मैं क्या कर रहा हूं एक बैग है ठीक है उसमें बैग okay. the है फाइव रेड पांच रेड चार ब्लैक और तीन वाइट ठीक है देन नंबर ऑफ वे इन विच फोर मार्वल फोर मार्वल निकालने सो दैट दी टोट एट दी मोस्ट थ्री ऑफ देम आर रेड चार में से ज्यादा से ज्यादा तीन रेड हो तो अगर तीन रेड हुए तो सिलेक्शन करो पांच में से ज्यादा ज्यादा तीन हो सकते हैं पांच में से तीन रेड ले लिए टोटल चार निकालने हैं बचे कितने सात सात में से एक ले लिया भाई इनके लिए तो कोई केस दिया ही नहीं है ये तो इनमें से इसमें हूं इसमें हूं किसी में से भी लू तो पूरे ग्रुप को ले लिया सात में से कोई एक पांच में से तीन कंडीशन कंप्लीट हो गई लेकिन इसको किसी और वे से कंप्लीट कर सकते हैं तो बीच में प्लस साइन पांच में से दो रेड सेलेक्ट करें क्योंकि ज्यादा या दो कर तीन कर सकते हैं कम से कम जीरो भी कर सकते हैं तो फाइव सी टू और बाकी दो सात में से निकाल लिए इन सात में से फिर कंडीशन फाइव सी वन सात में से तीन निकालिए और फाइव सी जीरो पांच में से एक भी लिया सातों के चारों के चारों क्या ले लिया सबको ऐड कर दें आंसर आ जाएगा मेरी बात समझ में आई कंडीशन कंप्लीट होने के बाद किसी और वे से उसे कंप्लीट कर सकते हैं तो प्लस साइन आता है कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई थी तीन ही सिलेक्ट किए थे चार सिलेक्ट करने थे इसलिए प्रोडक्ट कर लो क्लियर हो रहा है आइए आगे बढ़ते हैं तो बच्चों यहां तक आपने देखा मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चन कराए सभी क्वेश्चन में सिलेक्शन ठीक है अरेंजमेंट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट डिक्शनरी वाला हो चाहे कोई भी केस हो ठीक है बेसिक प्रिंसिपल लग रहे हैं अपन ने बॉक्स मेथड गैप मेथड देखा तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आया होगा इतना करके जाइए और क्वेश्चन लगाइए मेहनत कीजिए मेहनत ज़रूर रंग लाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच जय हिंद